चलिए अब next service start करते हैं में में जो है है वो है legal service. Legal service में आपको ध्यान रखना है everyone over here. Legal services में, service है में पहला ध्यान रखिएगा ट्रिब्यूनल अंडर लॉ उनकी सर्विसेज इधर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज होते हैं सर ये है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल होते हैं इनकी सर्विसेज पे बोला गया है अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं तो पर्सन अदर अदर देन देन बिजनेस एंटिटी सर पर्सन बिजनेस एंटिटी कौन होता है एक पर्सन अदर देन बिजनेस 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 एंटिटी एंटिटी वो वो होता है, वो होता है 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 जो कर रहा है। उनको छोड़ के जो भी होते हैं वो पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी होते हैं समझ लीजिए आपने आपने कोई सर्विसेज ली समझ लीजिए एक हस्बैंड एंड वाइफ है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास गए समझ लीजिए कोई दो भाई है उनकी लड़ाई हो गई और वो गए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास तो वो सर बिजनेस एंटिटी नहीं है वो घर का मामला है तो सर अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई बिजनेस अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जाम रहेगा समझ लीजिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विसेज दे रहा है तो बिजनेस एंटिटी जिसका एग्रीगेट टर्न इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल लास्ट ईयर का टर्न देखना है बोला लास्ट ईयर का टर्न अगर रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम था तो उनको भी करंट ईयर में एक्सम्स मिलेगा ठीक है सर पॉइंट है। जीएसटी अंडर आर देना पड़ेगा अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंटल और गवर्नमेंटल एंटिटी तो वो भी एग्जाम रहेगा ठीक है सर पॉइंट क्लियर है उसके बाद आता है सर्विसेज बाय फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एज एडवोकेट एक्सक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट अगर फॉर्म ऑफ एडवोकेट है या इंडिविजुअल है जो एडवोकेट है अदर देन सीनियर एडवोकेट वो अगर सर्विसेज दे रहा है टू तो ब्रदर एडवोकेट टू एडवोकेट की सर्विसेज या एडवोकेट फॉर्म ऑफ एडवोकेट टू फॉर्म ऑफ एडवोकेट ध्यान रखिएगा एडवोकेट टू एडवोकेट सर्विसेज एग्जाम है एडवोकेट अगर सर्विसेज दे रहा है समझ लीजिए कोई फैमिली डिस्प्यूट रिलेटेड बिजनेस एंटिटी नहीं है अगर आरसीएम बोल देते तो उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेके फिर जीएसटी देना पड़ता है तो गवर्नमेंट ने बोल दिया यहां भी जीएसटी रहेगा अगर नॉन बिजनेस एंटिटी है अगर बिजनेस एंटिटी छोटा है जिसका लास्ट ईयर का टर्न लेस देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है तो करंट ईयर में एक्जशन मिल जाएगा सर अगर बिजनेस एंटिटी बड़ा है बड़े बिजनेस एंटिटी जिसका लास्ट ईयर का टर्न ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था तो करंट ईयर में आरसीएम में जीएसटी देना पड़ेगा सर अगर गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी तो एग्जम्पन रहेगा एक बात बोलू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो या एडवोकेट हो अगर आप बिजनेस एंटिटी हो जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था तो करंट ईयर में आरसीएम आएगा अदरवाइज एग्जेम्प्टेड है ठीक है सर पॉइंट क्लियर है अब अगर एक सीनियर एडवोकेट है सुन लीजिए मेरा बात सीनियर एडवोकेट अगर ईयर uh, का टर्न ओवर लेस देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था तो सर रिवर्स चार्ज मेनिज आएगा सर सीनियर एडवोकेट अगर सर्विसेज दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनिटिटी लोकल अथॉरिटी अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी को तो सर एक्सम रहेगा सिंपल ध्यान रखिएगा चाहे सीनियर एडवोकेट हो चाहे एडवोकेट हो चाहे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटीज इसका लास्ट ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था उसी में आरसीएम आएगा अदरवाइज है अब बच्चे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं सर सीनियर एडवोकेट ने एडवोकेट को सर्विस दी एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को दिया सर सीनियर एडवोकेट ने अनदर सीनियर एडवोकेट को दिया सर उसके बाद बिजनेस एंटिटी को दिया बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको एक बात सिंपल बोलूं अगर सीनियर एडवोकेट दे रहा है एडवोकेट को सर्विस और वो फर्दर जा रहा है बिजनेस एंटिटी के पास तो अल्टीमेट बिजनेस एंटिटी का स्टेटस देखिएगा सीनियर एडवोकेट एक एडवोकेट को सर्विस दिया और फिर एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया हमेशा ध्यान रखिएगा इन केस ऑफ लीगल सर्विसेज जो अल्टीमेट बिजनेस एंटिटी होता है उसी को रेसिपिएंट माना जाता है अब अगर वो वो बिजनेस एंटिटी है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था तो सर ये जो एग्जाम ये जो रिवर्स चार्ज है वो एप्लीकेबल हो जाएगा बिजनेस एंटिटी पे दोनों ट्रांजेक्शन पे बिजनेस एंटिटी जीएसटी अंडर आरसीएम देगी सो तो एक सीनियर एडवोकेट ने एडवोकेट को सर्विस दी एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी आप देखिए बिजनेस एंटिटी का का अगर लास्ट ईयर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है तो सर सीनियर एडवोकेट टू एडवोकेट एंड एडवोकेट टू द बिजनेस एंटिटी जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मेके जीएसटी देना है वो बिजनेस एंटिटी पे करेगी उससे ज्यादा आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं तो बाबा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब एप्लीकेबल होता है लीगल सर्विसेज पे लीगल सर्विस किसको बोलते हैं लीगल सर्विस मीन एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इन रिलेशन टू एडवाइस कंसल्टेंसी असिस्टेंस एनी ब्रांच ऑफ लॉ चाहे जीएसटी लॉ पे भी अगर असिस्टेंस दिया जा रहा है अगर लीगल सर्विस दिया जा रहा है लेकिन बाई एन एडवोकेट तो उस सर्विस पे एग्जम्पन या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर कोर्ट ट्रिब्यूनल और थॉरिटी सर मैं भी तो कंसल्टेंसी दे रहा हूं जीएसटी लॉ के ऊपर अरे बाबा आप एडवोकेट थोड़ी हो एक एडवोकेट वो हो होता है जो एनरोल्ड होता है as an advocate. ठीक है sir? Point clear है एज एन एडवोकेट ठीक सर पॉइंट क्लियर यहां हमारा लीगल सर्विसेज खत्म होता है ध्यान रखिएगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो एडवोकेट हो फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो सीनियर एडवोकेट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जिसका लास्ट ईयर का टर्नवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था तो करंट ईयर में वो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में जीएसटी देगी अदरवाइज एक्सेंट है यस सर पॉइंट क्लियर है यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू लीगल सर्विसेस क्लोज करता हूं